इमरान के आम जीरो दाम। पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया के साथ अलग अलग पैतरे अपनाता रहा है। इस बार आम के सीजन में भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। दुनिया के अलग अलग देशों से संबंधों की मिठास बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान अपने देश में पैदा हुए आम भेज रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी इस आम वाली डिप्लोमेसी को 32 देशों पर आजमाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान के इस तोहफे को लेने से साफ इनकार कर दिया है। खास बात यह कि जिस चीन को पाकिस्तान अपना हमदर्द और सगा मानता है, उस चीन ने भी पाकिस्तान की इस मैंगो डिप्लोमेसी को ठुकरा दिया है। यानी इमरान के आम भी अब जीरो दाम हो गए हैं। अमेरिका ने ठुकराए पाकिस्तान के आम। चीन ने लौटाया पाकिस्तान के आमों का तोहफा। फ्रांस को भी रास नहीं आया पाकिस्तानी आमों का स्वाद। पाकिस्तान के आम जीरो दाम। ये आम का मौसम है, बड़ा खास मौसम है। इतना खास कि आम की मिठास जहन में बस जाती है। किस्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, आम के स्वाद की वैरायटी और सुगंध किसी को भी लुभा सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान आम के आम गुठलियों के दाम वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहता था, उसे अमेरिका समेत कई देशों ने ऐसा झटका दिया है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को चेहरा छिपाते नहीं बन रहा। दहशत गर्दी को पालने और पोसने वाला पाकिस्तान इस दौरान एक अजीबो गरीब दौर से गुजर रहा है। पहले ही आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है और अब चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी को जोर का झटका दिया है। इन देशों के अलावा कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले 64 आम की पेटियों को लौटा दिया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की इस वैश्विक बेइज्जती की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान अपने आमों की मिठास के सहारे दूसरे देशों के साथ संबंधों की मिठास खोलना चाहता था, उसी पाकिस्तान के तोहफों को अमेरिका समेत तमाम देशों ने लौटा दिया। वहां पर जो आम का तोहफा भेजा था उनका वापस कर देना पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है। और ये जो वजह बताई गई है वो तो यही है जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है और फिर वहाँ पर क्वारंटाइन के जो पूरे हैं जो एहतियात बरतनी चाहिए वो शायद नहीं बरती गई है, या फिर वहाँ से आम का जो इम्पोर्ट है क्योंकि उसमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो पूरे तरीका जो अपनाना चाहिए वो शायद नहीं अपनाया गया है, तो इसीलिए भेजा गया है, वापस भेजा गया है। दरअसल पाकिस्तान के जिन आमों को लेने से दूसरे देशों ने मना किया है उन्हें 64 आम कहा जाता है। पाकिस्तान में इन आमों की न सिर्फ अच्छी पैदावार होती है बल्कि इन आमों को पाकिस्तान के पसंदीदा आमों में भी शुमार किया जाता है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों को ये आम तोहफे में भेजे गए थे। लेकिन न तो अमेरिका ने यह तोहफा कबूल किया और न ही चीन ने। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को तोहफे में आम भेजे थे। लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया। भले ही अमेरिका और चीन समेत दूसरे देशों की तरफ से
कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर आमों को वापस किया गया है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट चीन से लगी है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ चीन को अपना सबसे बड़ा हिमायती मानता है, बल्कि वक्त वक्त पर चीन पाकिस्तान के खाली कटोरे को भरता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी से चीन का खासा जुड़ाव रहा है। 1960 के दशक में जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री मियां अरशद हुसैन ने माओ त्से-तुंग को आम उपहार में दिए थे, तब दोनों देशों ने आम के फलों के टोकरों के आदान प्रदान पर अपने संबंधों को मजबूत किया था। लेकिन इस बार चीन ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इस आम वाली दोस्ती पर सवाल उठे। गुंडे बुला लिए थे, मारपीट का वीडियो